हरे कृष्णा, मैं हूं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी। आप देख रहे हैं लक गुरु कार्यक्रम। लक गुरु कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपसे बात करेंगे मकर राशि के जातकों के बारे में कि जो मकर राशि के जातक हैं उनके लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है, आज आपको किस फील्ड में सफलता मिलेगी, राजनीतिक स्थिति क्या रहेगी और आप भूमि भवन कैसे खरीदेंगे और आज आपकी पदोन्नत होगी, प्रगति होगी या स्थानांतरण होने वाला है, ये सारी बातें आज हम आपको बताएंगे। आपका हेल्थ वेल्थ कैसा रहेगा, जिनके साथ आप नौकरी करते हैं, अपने उच्चस्तर निम्नस्थ सहयोगी साथियों के साथ कैसा संबंध रहेगा, सारी बातें हम आपको बताने वाले हैं। और आपके लिए शुभ अंक क्या होगा, शुभ रंग क्या होगा, ये भी बताएंगे। और आज आपको क्या उपाय करना है, क्या सावधानियां बरतनी, ये भी बताएंगे। यदि आपको मेरा कार्यक्रम पसंद आ रहा है तो आप मेरे वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। आपके मन में ज्योतिष से संबंधित अगर कोई भी जिज्ञासा है तो आप क्या करें कि अपना प्रश्न लिखें और अपना नाम लिखें, जन्मतिथि, जन्म समय, जन्म स्थान लिख करके भेजें ताकि हम आपके प्रश्नों का उत्तर दे सकें। अब आइए हम बात करते हैं मकर राशि के जातकों के बारे में कि जो मकर राशि के जातक हैं उनके लिए आज का दिन कैसा रहेगा। तो जो मकर राशि के जातक हैं उनके लिए आज का दिन सर्वाधिक बेहतरीन होगा। आज आप इंडस्ट्री लगा सकते हैं, व्यापारिक क्षेत्र में किया गया कार्य सफल होगा। जो आपने प्लान किया इंडस्ट्री के लिए, नए तरह के कार्य के लिए, उसके लिए आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा, अच्छा कर सकते हैं, अच्छा करने का योग बन रहा है। आपके पुराने मित्रों के मिलने से मन प्रसन्न रहेगा और सहयोगियों के सहयोग से भी मन प्रसन्न रहेगा। भूमि भवन खरीद सकते हैं, इंडस्ट्री के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया, इंडस्ट्री लगा सकते हैं। यदि शिक्षा के क्षेत्र में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, टेक्निकल यूनिवर्सिटी, टेक्निकल कॉलेज या टेक्निकल फील्ड में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो आज का दिन आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। आज आप उसमें कर सकते हैं, आपको बड़ी सफलता मिलेगी। आपकी महत्वाकांक्षाओं को कार्य रूप में परिणत होते हुए दिख रहा है। जो आपकी योजनाएं हैं वो भी कार्य रूप में होते हुए दिख रहा है। माली हालत अच्छी होगी। आपके उच्चस्थ और निम्नस्थ मित्रों से जो आपके कुलिंग हैं, जो काम करने वाले साथ लोग हैं जिनके साथ आप कार्य करते हैं, जो आपके सहयोगी साथी हैं, उनके साथ आज आपके रिश्ते बहुत अच्छे रहेंगे। भावनात्मक संबंध रहेगा और आदमी एक दूसरे के कार्यों में सहयोग करेगा और मित्रता की संख्या बढ़ेगी, मित्रों की संख्या बढ़ेगी और लोग आप पर ट्रस्ट करेंगे और नए तरह का इंडस्ट्री, व्यापार, कार्य करने से भी आपके लिए लाभ है। आयात निर्यात के लिए समय बहुत अच्छा है। यदि आप लेखन कार्य करना चाहते हैं, अगर खेल के क्षेत्र में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो खेल खिलाड़ियों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। जो खास तौर से फिल्म बनाने वाले लोग हैं, फिल्मी दुनिया वाले लोग हैं, उनके लिए आज का दिन फिल्म बनाते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। आपकी फिल्में हिट हो सकती हैं और आज आपके लिए आज का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। तो जरूरत है इसको अवेल करने की। संततियों का सुख मिलेगा और माता पिता से थोड़ा वैचारिक मतभेद हो सकता है। मित्रों से काफ़ी सहयोग मिलेगा, महिला मित्र का भी सहयोग मिलेगा और आज आपको सरकार से लाभ मिलते हुए दिख रहा है। आज आपको सावधानी क्या बरतनी है, सावधानी आज आपको ये बरतनी है कि छोटी छोटी बात को लेकर इरिटेट ना हो, अपने टास्क टारगेट ओरिएंटेड कार्य पर लग जाए, आपको बड़ी सफलता मिलेगी। आपके लिए आज आपको उपाय क्या करना है, उपाय में करना है कि आप शनिदेव की आराधना करें, ओम संग सनस्राय नमः इस मंत्र का जप करें, चिड़ियों को दाना खिलावें। आपके लिए शुभ अंक है 8 और शुभ रंग है काला। हरे कृष्ण।